हेलो एवरीवन तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10.7 देखो क्या बोला है इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द एंगुलर विथ ऑफ ए फ्रिंज इज फाउंड टू बी 0.2 डिग्री ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड 1 मीटर अवे द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज 600 नैनोमीटर व्हाट विल बी द एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज इफ द एंटायर एक्सपेरिमेंट अपरेटस इज इमर्स्ड इन वाटर एंगुलर विथ यहाँ पे आपको ना क्या दिया गया है? की गई है देखो जब भी एंगुलर कंपोनेंट दिया जाता है ना एंगुलर विथ तो आपको फ्रिंज विथ हम हम एक टॉपिक एक पढ़ चुके हैं फ्रिंज विथ हमने एक पॉइंट देखा है ठीक है तो फ्रिंज विथ के रिलेटेड हमें यहां पे एक एंगुलर विथ दी गई है तो हमें पता है कि किसी भी लीनियर विथ के रिलेटेड अगर मुझे लीनियर विथ पता है तो एंगुलर विथ पता करना है तो मैंने आपको बताया था कि जैसे हम लीनियर डिस्टेंस पता करते हैं उसी तरीके से एंगुलर पोजिशन भी पता कर सकते हैं और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है रेडियस से डिवाइड करना पड़ता है है ना जो लीनियर डिस्टेंस होता है इसको हम आर्क के बराबर मान लेते हैं और जो ये रेडियस होगी वो हमारा स्क्रीन एंड जो हमारी स्लीड है उसके बीच क्या सेपरेशन होगा तो हम अगर डी से डिवाइड कर देंगे तो हमें वही एंगुलर कंपोनेंट ना लीनियर कंपोनेंट मतलब सॉरी लीनियर कंपोनेंट को अगर हम डी से डिवाइड कर देंगे तो हमें एंगुलर उसका रिस्पेक्टिव एंगुलर कंपोनेंट मिल जाएगा ठीक है तो बस यहाँ पे भी ऐसा ही करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे एंगुलर विथ दी गई है विथ पता नहीं है लेकिन लीनियर फ्रिंज विथ हमें पता है है ना उसका फॉर्मूला हमें पता है तो लीनियर फ्रिंज विथ का फॉर्मूला पता है तो हम अगर उसको डी से डिवाइड कर देंगे तो हमें एंगुलर विथ मिल जाती है और एंगुलर विथ आपको यहां पे दी गई है तो इसी का इस्तेमाल करते हैं ध्यान से देखो तो मैं फॉर्म्यूला यूज करता हूं एंगुलर विथ ऑफ फ्रिंज एंगुलर विथ ऑफ फ्रिंज दैट इज इक्वल्स टू लीनियर विथ ऑफ फ्रिंज जिसको हम फ्रिंज विथ बोलते हैं लीनियर फ्रिंज विथ फ्रिंज विथ डिवाइड बाय कैपिटल डी ठीक है ओके okay, तो हमने लीनियर कंपोनेंट को डी से रेडियस से डिवाइड कर दिया तो हमें एंगुलर कंपोनेंट मिल गया ठीक है अभी ये जो लीनियर फ्रिंज विथ होती है जिसको हम बीटा से डिनोट करते हैं एंगुलर को हम थीटा से बीटा बाय डी बाई स्मॉल डी हो होता है, है के, डिवाइड बाई कैपिटल डी डी ने डी को मार दिया तो हमारे पास क्या बचा हमारे पास बचा थीटा इज इक्वल्स टू अपॉन डी ठीक है लेकिन ये जो वैल्यू आई वो एयर के अंदर आई है ना जो थीटा इज टू ठीठा बाई डी आई वो इन एयर है तो ये वैल्यू हमें एयर के अंदर मिली ठीक है क्योंकि हमें पे वाटर के अंदर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हमें दिया गया है अगर यही पूरा प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट अगर हमें वाटर के अंदर करने को बोला जाए तो यहां पे जो वेवलेंथ होगी वो चेंज हो जाएगी तो उसके हिसाब से हमें नया यहां पे एंगुलर जो एंगुलर विथ है वो नई एंगुलर विथ हमें यहां पे मिल जाएगी तो नई एंगुलर विथ जिसको मैं ठीटा डेस बोल देता हूं तो ठीटा डेस क्या होगा नई वेवलेंथ डिवाइड बाय डी ठीक है नई वेवलेंथ कितनी है तो भाई लेमड़ा बाई एन है सीधी सी बात है कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम के अंदर अगर आप देखते हो तो वेवलेंथ डिवाइड बाई एन हो जाएगी तो नई वेवलेंथ हो जाएगी हमारी वाटर के अंदर तो लेमड़ा बाई एन डिवाइड बाई डी ठीक है तो यहां से देखो थीटा डैश की वैल्यू हमारे पास इतनी आ जाएगी मतलब कि मैं इसको लिखूंगा वन अपॉन एन लेम्बड़ा बाई डी ठीक है अभी ध्यान से देखो ये लेमड़ा बाई डी की वैल्यू तो थीटा के बराबर है है ना तो इसका मतलब ये होता है कि मैं यहाँ पे आ, मतलब कि थीटा डैश की वैल्यू आप यहाँ से थोड़ा पार्टीशन वगैरह कर सकते हो अगर आप पार्टीशन करते हो तो यहाँ पे हमने पार्टीशन कर लिया तो थीटा डैश की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी इट इज नथिंग बट थीटा बाय एन ठीक है थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास तो थीटा हमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड है दैट इज जीरो पॉइंट टू डिग्री डिवाइड बाय एन एन मतलब कि फोर बाई थ्री तो आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट दी आंसर जीरो पॉइंट फिफ्टीन डिग्री जीरो पॉइंट फिफ्टीन डिग्री सो दिस इज द थीटा डैश तो यही तो हमें निकालने को बोला गया है ठीक है क्लियर चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन टेन पॉइंट टेन देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया है कि एस्टिमेट द डिस्टेंस फॉर विच रे ऑप्टिक इज गुड अप्रोक्सिमेशन फॉर एपरेटस ऑफ फोर एम एम वेवलेंथ फोर हंड्रेड नैनोमीटर ठीक है तो यहां पे हमें एस्टिमेट करने को बोला गया है डिस्टेंस एस्टिमेट डिस्टेंस फॉर विच रे ऑप्टिक्स इज गुड अप्रोक्सिमेशन एपरेटस हमें चार एम mm का दिया गया है वेवलेंथ 400 नैनोमीटर की दी गई है है ना चलो तो हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है तो चलो निकालते हैं सॉल्यूशन। तो जिस डिस्टेंस की यहां पे बात की गई है वो फ्रेनल डिस्टेंस है तो पता करेंगे सीधा फॉर्मूला है इसका तो हम अप्लाई करेंगे सीधा फॉर्मूला सो रिक्वायर्ड डिस्टेंस फ्रनल डिस्टेंस एंड दैट इज गिवन बाय जेड एफ दट इज इक्वल टू डी स्क्वेर अपॉन लेमड़ा सो इट इज इक्वल इन टू डी डी हमें कितना दिया गया है तो फोर इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री का स्क्वायर डिवाइड बाय लेमडा लेमड़ा मतलब की 400 हंड्रेड इंटू टेन टू दावर माइनस नाइन तो थ्री का स्क्वायर हो जाएगा सिक्स तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर 40 मीटर सो दिस इज द आंसर ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल टेन देखो क्वेश्चन में क्या बोला है वॉट स्पीड शुड ए गैलेक्सी मूव विथ रिस्पेक्ट टू अस सो दैट द सोडियम लाइन एट 589.0 नैनोमीटर इज ऑब्जर्वड एट 589.6 नैनोमीटर चलिए इसका भी सॉल्यूशन देते हैं चलिए तो पहले यहां पे ये चेंज इन वेवलेंथ मतलब कि डेल्टा लैम्डा हम यहां पे फाइंड आउट कर देते हैं डेल्टा लैम्डा देखो 589.6 नैनोमीटर में से हम 589 को सबट्रैक्ट कर देते हैं ठीक है तो हमें डेल्टा मिल जाएगा फाइव एटी नाइन में से नैनोमीटर सप्प्रिक हो सकता है तो नैनोमीटर लिखेंगे नहीं माइनस फाइव एटी नाइन पॉइंट जीरो तो ये निकलेगा हमारे पास जीरो पॉइंट सिक्स नैनोमीटर जीरो पॉइंट सिक्स नैनोमीटर ठीक है अभी हमें कैसे पता चलता है कि गैलेक्सी हमसे दूर जा रही है तो एक रेड शिफ्ट नाम की फिनोमिना से हमें ये पता चलता है ठीक है आप गूगल पे सर्च करोगे तो काफी सारे डिटेल आपको इसके रिलेटेड मिल जाएगी, ठीक है? फिलहाल हम ये क्वेश्चन के रिलेटेड सीधा सॉल्यूशन देते हैं। तो फ्रॉम दी दी रेड शिफ्ट फिनोमिना यहां पे गैलेक्सी की वेलोसिटी जो भी होती है वो हम कुछ ये बड़े फॉर्मूला से दे सकते हैं इट इज नथिंग बट सी इन टू डेल्टा लेमड़ा डिवाइड बाई है तो मैं यहाँ पे सीधा सा वैल्यू प्लेस करता हूं तो ये थ्री इंटू टेन टू दी पावर एट इंटू डेल्टा लेमड़ा जो है जीरो पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस नाइन डिवाइड बाई लेट इज फाइव एटी नाइन पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो लिखने की जरूरत नहीं है सीधा हम इसको इंटू टेन टू दी पावर माइनस नाइन लिखेंगे ठीक है तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको जीरो पॉइंट डबल जीरो थ्री जीरो फाइव सिक्स इंटू टेन टू दी पावर एट इतना आंसर मिलेगा ठीक है मतलब कि इसको मैं अप्रोक्सीमेटली लिख सकता हूँ थ्री पॉइंट जीरो फाइव सिक्स इंटू टेन टू दी पावर फाइव मीटर पर सेकंड सो दिस तो इतनी स्पीड से गैलेक्सी हमसे दूर जा रही है ऐसा हम बोल सकते हैं है ना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सोल्व एग्जाम्पल टेन पॉइंट थ्री देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर आपको ये बोला गया है टू स्लिट्स आर मेड वन मिलीमीटर अपार्ट एंड एन स्क्रीन इज प्लेस वन मीटर अवे वॉट इज द फ्रिंज सेपरेशन ब्लू ब्लू एंड ग्रीन ग्रीन लाइट ऑफ नैनोमीटर इज दिंज तो यहां पे आपको फ्रिंज सेपरेशन मतलब कि अल्टीमेटली मैं बोलू तो फ्रिंज विथ आपको निकालने को बोला गया है सिंपल सा सीधा सा क्वेश्चन है फ्रिंज विथ निकालने को बोला गया है तो चलिए पता कर लेते हैं तो फ्रिंज विथ सीधा फॉर्मूला लगाएंगे जिसको हम बीटा से डिनोट करते हैं बीटा क्या होता है लेम्बड़ा डी अपॉन डी सो so इट इज लेम्बड़ा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी सो so इट इज इक्वल्स टू लैम्बड़ा 500 नैनोमीटर सो इट इज 500 हंड्रेड इंटू टेन टू दावर माइनस नाइन इंटू यहाँ पे डी हमें कितना कितना मीटर वन मीटर अवे है ना तो वन मीटर एंड स्मॉल डी हमें कितना दिया गया है तो ये दिया गया है वन मिलीमीटर यहाँ पे वन मिलीमीटर ठीक है तो इसको हम लिखेंगे वन इन टू टेन टू दावर माइनस थ्री चलिए तो कुल मिला के देखेंगे तो इसका आंसर कितना निकलेगा तो ये सीधा ऊपर चला जाएगा तो सिक्स एंड उसमें से और दो पॉइंट निकल जाएंगे तो फोर तो मतलब कि फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस फोर मीटर सो so, इतनी फ्रिंज विथ हमें मिलेगी दिस इज द आंसर ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल टेन पॉइंट फोर वॉट इज द इफेक्ट ऑन द इंटरफियरेंस फ्रिंजिस इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ड्यू टू ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन देखो कोशिश करना है आपको खुद से ट्राई करना है ये क्वेश्चन को कोशिश करना है कि आप इस सबके खुद से आंसर दे सको लेकिन फिर भी जल्दी से इसको देख लेते हैं मैं ओरली इसके आंसर देता जाऊंगा आप देखते जाइएगा देखो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में आपको बोला गया है पहला पॉइंट जो भी है प्लेन ऑफ दिलिट्स अगर स्क्रीन को हम प्लेन uh, से दूर ले जाते हैं स्क्रीन इज मूड अवे फ्रॉम प्लेन ऑफ द स्लिट्स मतलब कि स्लिट से दूर ले जाते हैं तो क्या होगा देखो सीधी सी बात है कि मेरे पास फ्रिंज विथ वो लेमड़ा डी बाई स्मॉल डी इसके बराबर होती है है ना बीटा इजो लेमड़ा डी बाई स्मॉल डी अभी आप खुद ही सोचो कि अगर मैं डी को इंक्रीज करता हूं दूर ले जाता हूं तो स्लीड एंड स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा और अगर वो इंक्रीज होता है तो डेफिनेटली बीटा क्या होगा इंक्रीज होगा मतलब कि यहां पे बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये वाले केस में मैं क्या लिख सकता हूं कैपिटल डी सो बीटा इज डिरेक्टली प्रपोजनल टू कैपिटल डी तो इसका मतलब ये होता है कि फ्रिंज विथ बढ़ती जाएगी सीधी सी बात है फ्रिंज विथ इंक्रीज हो जाएगी है ना अगर डी इंक्रीज होता है तो फ्रिंज विथ भी बढ़ेगी ठीक है नेक्स्ट द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस बायदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ अगर शॉर्टर वेवलेंथ यूज की जाए तो तो यहां पे देखो यही फॉर्मूला के अंदर बीटा इज डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमड़ा हो जाएगा सो बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है है ना तो आप यहीं से देख सकते हो कि अगर यहाँ पेमड़ा शॉर्टर है तो लेमड़ा विल डिक्रीज सो फ्रिंज बीटा विल ऑल्सो डिक्रीज ठीक है तो अगर लेमड़ा डिक्रीज होता है तो बीटा भी डिक्रीज होगा तो फ्रिंज विथ घटेगी ठीक है सी क्वेश्चन नंबर सी में सीमें द सेपरेशन बिटवीन दी टू स्लिट्स इज इंक्रीज मतलब कि अब आप डी को इंक्रीज कर रहे हो तो आप खुद ही देखो यहां पे प्रोपोर्शनलिटी क्या जाएगी बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी तो अगर मैं यहाँ पे क्योंकि आपको डी को इंक्रीज करने को बोला है तो अगर डी इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली फ्रिंज विथ क्या होगी डिक्रीज होगी तो फ्रिज विथ है तो इसका आंसर आप इस तरीके से दे सकते हो दी सोर्स स्लिट इज मूड क्लोजर टू डबल स्लिट प्लेन मतलब कि अगर हम सोर्स को और नजदीक लाते हैं डबल स्लिट के करीब लाते हैं तो क्या होगा तो वेन सोर्स इज मूड ग्रेजुअली क्लोजर टू दी प्लेन ऑफ द स्लिट्स ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजिस स्टार्ट मर्जिंग इन टू इच अदर ठीक है सीधी सी बात है, है. यहां पर क्या होगा शार्पनेस डिक्रीज हो जाएगी है ना तो इसकी वजह से शार्पनेस डिक्रीज होती नजर आएगी नेक्स्ट द विथ ऑफ दोर्स इज इंक्रीज मतलब की यहां पर विथ ऑफ दोर्स लेट इज इंक्रीज मतलब की स्लिट की अगर हम विथ इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होगा ठीक है तो अगर हम विथ को इंक्रीज करते हैं तो ऐसे केस में यहां पे ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज दोनों मर्ज होती दिखेगी आपको मर्ज होने लगेगी तो इसकी वजह से अगेन यहां पे भी आपको शार्पनेस डिक्रीज होती नजर आएगी है ना तो ये वाले केस में भी आपको शार्पनेस डिक्रीज होती नजर आएगी देखो ध्यान रखें सोर्स स्लिट की नजदीक जाए या फिर स्लिट की विथ को आप बढ़ा दे दोनों केस में आपको शार्पनेस डिक्रीज होती नजर आएगी ठीक है एंड द नेक्स्ट वन इज द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस बाय सोर्स ऑफ वाइट लाइट हमें पता है कि जब भी सोर्स ऑफ वाइट लाइट व्हाइट लाइट का सोर्स अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो मैंने आपको एक वीडियो uh, जब यंग्स के डबल स्टेट का एक्सपेरिमेंट के पहले वाला जो वीडियो था उसके अंदर मैंने एक लिंक में दिया था आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड की थी मैंने बोला था कि वहां पे जाके आप एक बार इस वीडियो को पहले देखना ठीक है तो वहां पे आपने देखा होगा कि जब भी वाइट लाइट को यूज किया जाता है तो ऐसे केस में हमें क्या मिलता है ठीक है तो आप वहीं से इसका आंसर देख सकते हो ट्राई कीजिएगा इसका आंसर क्या आएगा ये आप खुद से पता करना ठीक है चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ओर आगे बढ़ते हैं ओके सो एक्चुअली बस यहीं पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं डिफ्रेक्शन uh, के रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम उसके बाद देखेंगे ठीक है तो डिफ्रेक्शन वाले टॉपिक के साथ उसको हम देख लेंगे तो बस यहीं पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं मिलते हैं कल के लेक्चर में टिल दैट एंजॉय योर डे बाय